पाकिस्तान में पानी आलूदा होने की जो मेन रीज़न्स हैं वो पूरी दुनिया में जो इश्यूज़ बन रहे हैं कि जी पेस्टिसाइड्स है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सीवेज वाटर है और केमिकल इंडस्ट्री से जो वेस्ट आता है, तो ये मेन रीज़न्स हैं पाकिस्तान में वाटर पोल्यूशन की। और जिस तरह से आप जानते हैं कि मोस्टली जो पाकिस्तान में अंडरग्राउंड है और बाकी जो वाटर है वो सारे के सारे पोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं और हमारा मोस्ट ऑफ द मतलब जो हमारे पास जंक ऑफ वाटर है वो पोल्यूटेड है। स्पेशली इससे कॉलरा, डायरिया और इस तरह की डिजीज़ होती हैं जो कि हमारी वाटर बॉर्न डिजीज़ जिनको बोलते हैं। इससे स्टमक भी डिस्टर्ब होता है, इसमें जॉइंट्स भी अफेक्ट होते हैं। और इन डिजीज़ को सेव करने का तरीका यही है कि जी कि हम कोशिश करें कि वाटर को हम लोग वाटर ट्रीटमेंट करें। और वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू व्हाट वी डू वो ये करते हैं कि आप उसके थ्रू वो कर लेते हैं कि वाटर को जो वेस्ट वो है कि पोल्यूटेड हमारे पास केमिकल्स होते हैं, जो चीज़ें पोल्यूशन कॉज कर रही होती हैं उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट की वजह से वाटर ठीक हो जाता है और देन वी कैन यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। देखें ये अंडरस्टूड है कि जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होगी वहाँ पे वाटर पोल्यूशन ज़्यादा होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट और केमिकल वेस्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त रीज़न बन रहा है वाटर पोल्यूशन की। और स्पेसिफिकली जो इस वक्त स्टडीज़ बता रही हैं वो इंटीरियर सिंध ज़्यादा अफेक्टेड है वाटर पोल्यूशन की वजह से। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री और हमारी केमिकल इंडस्ट्री और बाकी भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है ये मेजर कॉजेज हैं वाटर पोल्यूशन के। देखिए वाटर इनटेक अगर हम पोल्यूटेड वाटर लेंगे तो वो पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगा, मतलब उसमें अगर बॉडी के अंदर केमिकल चला गया है तो वो जो केमिकल फॉर एग्जांपल डिफरेंट मिनरल्स भी उसमें शामिल हो जाती हैं जिसमें आर्सेनिक है, जिसमें मरकरी है, तो ये चीज़ें जिस जिस एरिया पे अफेक्ट करेंगी तो बॉडी के अंदर इफ़ वी यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ तो ये पूरी बॉडी पे अफेक्ट करेंगे इस तरह से।